गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? मौसम सही है, बहुत बारिश हो रही है यार। जाहिद, मौसम बहुत अच्छा है। तो कहीं से चाय और पकौड़ा मिल जाता ना, मजा आ जाता। ऐला जादू यार जाहिद, आज मौसम अच्छा है, थोड़ा पकौड़े वकौड़े खाने का मन कर रहा है भाई। पकौड़े खाने किस चीज के? प्याज के। प्याज के सामान लाना पड़ेगा तब उसके लिए। तो चलो फिर उठो, पता है क्या करता है? हाँ, जो भी मिसिंग होगा तू बता देना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पकौड़ा बनाने के लिए कुछ कमी है सामान की, तो हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं था हम लोग के पास, तो वही लेने जा रहे हैं बाहर। और अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। ख्वातीनों हजरात, खुशामदीद आपका डॉक्टर सलमान के किचन में। आज हम बनाने वाले हैं प्याज के पकौड़े, और प्याज के पकौड़े बनाने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा प्याज। प्याज में डालें मिर्ची, धनिया, नमक और कटी हुई मिर्च जो हमने पहले ही काट ली थी। उसमें डालें धनिया के पत्ते और फिर इनको अच्छे से मिला लें। उसमें डालें एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, बाकी बेसन, और इन सबको अच्छे से मिला लें। फिर उसमें डालें एक टेबलस्पून ऑयल और पानी ज़रूरत के हिसाब से, और इनको अच्छे से मिला लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करने के लिए रख दें। ऑयल बॉयल होने के बाद उसमें आपने जो पहले मिलाया था उसे डालें और पकौड़े बनाने की तैयारी करें। और फिर इंतज़ार करें जब तक कि वो लाल नहीं हो जाता। एक तरफ पकौड़े लाल होने के बाद उसको पलट दें दूसरी साइड, और उसे इस साइड भी पकने दें। एक प्लेट में लें एल्युमिनियम फॉइल और उसमें अपने पकौड़ों को रख दें, और उसके बाद चाय बना के उसे कप में डालें, और बूम, तैयार है आपका ब्रेकफास्ट। There's nothing like magic. You work hard behind the scenes and it seems like magic to other people. So I mean, all the अबे सलमान, खजूर कितना प्यारा प्यारा है।